और दीपावली के मौके पर केमिकल से तैयार हुआ जानलेवा नकली खोया बनाने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं 6.5 क्विंटल केमिकल से बना खोया भी बरामद हुआ है। पारा थाना क्षेत्र के देवपुर पारा इलाके में एसटीएफ के एडिशनल एसपी अमित नगर की टीम ने छापेमारी कर कार्रवाई की है। तो वहीं एसटीएफ ने हरदोई के रहने वाले रामू धनंजय सिंह तोमर और अमित गुप्ता को गिरफ्तार किया है। तो फूड सेफ्टी की टीम के साथ यूपी एसटीएफ ने भी इस पर कार्रवाई की है। Oh.